Students, I am Muhammad Arafat Khan. Hope you are fine. According to my commitment, जब भी हम कोई चैप्टर ख़त्म किया करेंगे तो हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो होते हैं MCQs और उनको लाजमी सॉल्व किया करेंगे ताकि हम उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना सीखें कि उन चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ रखे होते हैं उनके फार्मूला हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ इस चैप्टर, यानी कौन से वाले चैप्टर्स, यानी ये जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर ख़त्म किया है वेक्टर्स चैप्टर, इसके हम जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आज हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते होंगे सॉल्व करने में वो आपकी दूर हो जाएंगी आज इस वीडियो के बाद। ओके, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप लोगों तक मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे। टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर को लिखा हुआ है आई प्लस जे। इसको दो अलग अलग चीज़ें मत समझिएगा, ये आपको एक ही वेक्टर की वैल्यू गिवन है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लेट सपोज ये जो i प्लस जे आपको गिवन है इस वेक्टर को मैं a से शो कर देता हूँ, a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका मतलब आपको एक वेक्टर गिवन है यानी कि a, इसका हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल लेटर विद हैट। ओके, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, दैट वॉज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यानी कि जब भी आप किसी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद। ओके, मैं पुट करता हूं सबसे पहले इस वेक्टर ए की वैल्यू और वेक्टर ए की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज आई प्लस जे। ये मैंने ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर दी और नीचे साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि आप उस वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू का बेसिकली एक्स पर वाई पर जेड पर जो वैल्यूज होती हैं। ओके, हमें अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ओके, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, आप जो आई वाली वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करते हैं प्लस जो जे वाली वैल्यू होती है उसको स्क्वायर करते हैं और इनको रख देते हैं रेडिकल के अंदर, यानी कि आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। अगर के होता तो के स्क्वायर हो जाता। तो जितनी वैल्यूज़ यानी कि उस वैक्टर के जितने कॉम्पोनेंट्स गिवन है आपको उस कॉम्पोनेंट्स का आपने स्क्वायर करके प्लस करके उनका क्या निकालना है, रेडिकल निकालना है। आगे चलते हैं। ओके, इज इक्वल टू आई प्लस जे एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा ऊपर, ठीक है। डिवाइड करते हैं भाई, आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वन और वन के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, देन प्लस वन अगेन वन के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। आई प्लस जे डिवाइडेड बाय वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन एंड वन प्लस वन टू, रेडिकल टू। यानी कि इस वैक्टर का जो यूनिट वैक्टर आया वो कितना आया, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रेडिकल टू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द ओके। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 0.5 यानी कि प्लस 0.8 प्लस सी के इज अ यूनिट वेक्टर। बताएं अगर ये एक पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर है तो इसमें जो सी आ रहा है इस सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इस वेक्टर में से सी की वैल्यू फाइंड कैसे करें। ये देखो मैंने एक वेक्टर लिखा हुआ ऑलरेडी 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के, बताओ। देखो आई के साथ वैल्यू है कितनी, हाफ यानी कि 0.5, जे के साथ वैल्यू कितनी है 0.8। अब इस के साथ वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि आपको एक अल्फाबेट गिवन है सी, आपको इसी सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस के साथ वैल्यू क्या आनी चाहिए।
ठीक है, अब कैसे फाइंड करें? तो आपने, आपको इस क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है, वो हिंट ये कि ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये कंप्लीट जो है ये एक यूनिट वेक्टर गिवन है। आपको पता है अब यूनिट वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, यानी कि अगर मैं इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, वन के। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या, आपके पास जितने भी कॉम्पोनेंट्स गिवन हो, यानी कि ये कॉम्पोनेंट इसका स्क्वायर कर दें, ये कॉम्पोनेंट इसका स्क्वायर कर दें, अगेन ये वाला कॉम्पोनेंट इसका भी स्क्वायर कर दें, और जब इन तमाम का स्क्वायर करके प्लस करोगे और इनका रेडिकल निकालोगे तो हमेशा आंसर आएगा वन। ये बन गई इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है, क्या कि आप इन तमाम कंपोनेंट्स का जब स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद प्लस करके जब भी रेडिकल निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हमेशा वन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई, 0.5 का स्क्वायर 0.25 है ना, और आई के ऊपर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मतलब होता है वन। आई स्क्वायर हो, जे स्क्वायर हो, के स्क्वायर हो, इन तमाम की वैल्यूज होती हैं वन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस 0.8, 8 8 64, तो ये बन जाएगा 0.64, अगेन j का स्क्वायर, और j का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस c के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि c की कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो c के ऊपर स्क्वायर और k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 1। ठीक है, और ये सब के सब आ गए रेडिकल के अंदर, और यहाँ पर राइट साइड पर इक्वेशन के क्या मौजूद है, ऑलरेडी एक 1 मौजूद है, जो कि आपको इसने बताया था क्वेश्चन के अंदर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये बच जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर, और ये सब के सब रेडिकल के अंदर हैं, एंड देन इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, है ना। प्लस करेंगे 0.25 प्लस 0.64, तो ये बन जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, और ये आ गया रेडिकल के अंदर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, सी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सी स्क्वायर को रेडिकल से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का तरीका क्या, टेकिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और साथ साथ इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है। अभी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.89 प्लस कर रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, तो भाई सी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 0.89 सी स्क्वायर की, और जब 1 में से 0.89 माइनस करेंगे, हाँ भाई, ये बन जाएगा 0.11। 1 एक कंप्लीट वैल्यू, इसमें से 0.89 निकालोगे तो बचेगा 0.11। लास्ट में आपसे सी की वैल्यू पूछी गई है, सी स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर खत्म करते हैं, तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी रेडिकल और यहाँ भी रेडिकल, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको सी की वैल्यू मिल गई जो कि ऑप्शन में आपको नजर आ रही होगी साफ साफ, एंड दैट वैल्यू इज 0.11 रेडिकल। दिस इज योर आंसर। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं, पहले वाली फोर्स की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस k न्यूटन, और दूसरे वाली फोर्स की वैल्यू लिखी हुई है i प्लस j प्लस k न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक ही वक्त में एक्ट कर रही हैं, बताएं इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सही है, इसका मतलब सबसे पहले आपने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। देखिए, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, ये रही आपके पास पहली फोर्स F1, मैंने इसको कह दिया F1 की वैल्यू आपको गिवन है, ये हटा देता हूँ मैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ठीक है, आपको F1 की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है 2i प्लस 3j प्लस k न्यूटन, ये यूनिट होता है फोर्स का। देन F2 की वैल्यू गिवन है i प्लस j प्लस k एंड न्यूटन, आपको इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट को हम F से शो करते हैं, उस F का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहले आपको F पता चल करना है, और F पता जब हो जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ओके, जब इन दोनों फोर्सेस का आपने रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो आपने सीधा सीधा इन दोनों फोर्सेस को प्लस करना होता है। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लिखी हुई है F1 की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लिखी हुई है F2 की। तो अब ऐड करने का बहुत आसान सा तरीका होता है, और वो तरीका ये कि आपने आई वैल्यू को आई के साथ प्लस करना है, मतलब सेम को आपने प्लस करना होता है। हाँ भाई, 2i प्लस आई, यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा 3i, ठीक है। देन हाँ भाई, इसके साथ j 3, और j के साथ कुछ नहीं तो 1, 3 प्लस 1 कितना बनेगा 4j, तो 4j। देन k के साथ 1, और k के साथ 1, 1 प्लस 1 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2
तो भाई इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वेक्टर फॉर्म में, वो इतनी आ रही है 3i + 4j + 2k। अब आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका वही जो आपने इससे पहले दो क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर करना है और उनका रेडिकल निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके मैग्नीट्यूड को हम रखेंगे मॉडुलस के अंदर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि आई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 4j का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, और इन सबको हम कर देंगे रेडिकल के अंदर। भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये फॉर्मूला अपने जहनों में बिठा लो, फिक्स कर लो कि आपने उसके जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं उसका स्क्वायर करने के बाद रेडिकल निकालना होता है, स्क्वायर प्लस करके फिर रेडिकल निकालना होता है, कोई भी वैक्टर आपको गिवन क्यों ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही किया है, ठीक है। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 आ रहा है, सो 3 3 9, ओके आई स्क्वायर 9i² प्लस 4 4 16, देन जे स्क्वायर प्लस 2 2 4 एंड देन के स्क्वायर। और अभी मैं आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि जो आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यूज होती हैं वो 1 होती हैं, तो हम इन 1 को लिखते नहीं हैं। अभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में इससे बेसिकली हम इसको स्किप कर दिया करेंगे, इस स्टेप को आगे चलते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 नहीं लिखूंगा तो 9, प्लस जे स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं लिखूंगा 16, प्लस 4 के स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ भाई 16 + 4 = 20, 20 + 9 = 29, सो रेडिकल 29 ये बन गया आपका आंसर। यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है, उस रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, रेडिकल 29। दिस इज़ योर आंसर। ओके हियर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड एंड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज। इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे, एक हमने टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, उन दो वेक्टर्स को प्लस करने के बाद अगर आपने उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना होता है, याद है आप लोगों को, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कोसाइन होता है और दूसरा होता है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन का काम होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, और लॉ ऑफ साइन का होता है काम रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना। तो क्योंकि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की बात कर रहे हैं, पर a प्लस बी, और देखो मॉडुलस में लिखा हुआ है मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। और इसका फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेरिवेशन की थी इस चीज की हम लोगों ने, है ना, डेरिवेशन की थी, डिटेल में डिस्कस किया था, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये बेसिकली रिजल्टेंट आता कब है, इसको मैं यू करके भी लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बेसिकली बराबर होता है किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये बेसिकली फॉर्मूला जो है वो आर का भी है, और यही फॉर्मूला बेसिकली कब है, ए प्लस बी का भी है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट को हम ए प्लस बी ही कहते हैं। आगे चलते हैं। कंडीशन गिवन है कि जितना रिजल्टेंट है, ये देखो जितना रिजल्टेंट है उतना ही पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उतना ही सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब यहाँ पर जो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और उनका रिजल्टेंट, इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हैं। यानी कि अगर ए 2 यूनिट्स का है तो बी भी 2 यूनिट्स का है, तो उनका रिजल्टेंट भी 2 यूनिट्स का आ गया। आज मैं आपको पहली दफ़ा ये क्वेश्चन पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद जब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग रट लिएगा, हिफ्स कर लिएगा, कि इस किस्म की कंडीशन आगे कभी भी आपके सामने आती है तो आपने विदाउट सॉल्यूशन सिर्फ आपने उस आंसर पर टिक करना होगा। और मैं अभी आपको अभी से बता दूं कि बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज़ 120 डिग्रीज, इसका जो आंसर है दैट इज़ 120 डिग्रीज, ठीक है। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे ये चीज़ याद है, मैंने तो बहुत दफ़ा सॉल्व की हुई है। तो अब आपको मैं एक दफ़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको बिठा लो जहन में। तो MCQs को सॉल्व करते हुए इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना, मेरी बात याद रख लेना। हाँ भाई सर ने बताया था कि जब ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में इसका एक ही आंसर होगा हमेशा हमेशा, एंड दैट इज़ 120 डिग्री। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये बात। देखिए भाई, अगर ये तीनों की तीनों बराबर हैं तो मैं काम ही करता हूँ, इन तीनों की वैल्यूज सेम पुट कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने क्या किया, ए प्लस बी की जगह ए पुट कर दिया, ए तो है ही ए, बी की जगह भी ए पुट कर दिया, देन 2a
और बी की जगह भी क्या आ गया होगा, ए आ गया होगा, तो ए इंटू ए क्या बन गया होगा, ए स्क्वायर बन गया होगा। आपकी मर्जी, आप इन तमाम की जगह बी पुट कर दें, आपकी मर्जी इन तमाम की जगह ए पुट कर दें। तो मैंने इन तमाम की जगह पर ए पुट कर दिया क्योंकि तमाम की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, ठीक है। सो ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पर रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ओके, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा। अब आपने एंगल फाइंड करना है, सारी कंसंट्रेशन हमारी इस थीटा के ऊपर होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। ओके, ए इज इक्वल टू a² + a² ये बन जाएगा 2a² + 2a², अच्छा ये अब ये बात ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर बना कैसे, यहाँ पर a और इसके साथ b के साथ भी आपने क्या पुट किया, a, तो a इंटू a स्क्वायर बन गया। देन वी हैव cos थीटा और ये आ गया रेडिकल के अंदर, ऐसे ही है। अच्छा, मैं थीटा कैलकुलेट करना है तो इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, सो 2a² + 2a² एंड देन cos थीटा एज इट इज़। भाई ये 2a² प्लस कर रहा है, यहाँ पर आके माइनस करेगा, सो a² - 2a² इज इक्वल टू, वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है 2a² एंड देन cos थीटा। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्टेप्स में मसला नहीं होता, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी टीचर्स करवा दें, और बहुत सारे यकीन करें स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हर हर स्टेप के अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है। सो फॉर द सेक ऑफ दोज स्टूडेंट्स मैं एक एक स्टेप आपको करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो मुझे सबका ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स करवाने चाह रहे हैं, मैं चाहूँ तो ये विदाउट स्टेप्स, मैं बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर ना करूँ और मैं डायरेक्ट आंसर निकालूँ, तो मैं खुद नहीं सीख रहा, मैं असल में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ। इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को स्टेप्स समझ आ जाएँ, ठीक है। ओके, a² - 2a² देन ये वो ऑलरेडी मौजूद है। ओके, ए में से माइनस टू करेंगे, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो वन है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, है ना। मैथमेटिक्स की कंडीशन क्या कि जब आप वन में से माइनस करते हैं टू को तो आंसर क्या आता है, माइनस वन, तो ये कंडीशन आ गई, -1² ओके इज इक्वल टू, ये 2a² कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा, तो 2a² ये आ गया डिवाइड के अंदर, और वहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ cos थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, a² कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा a² कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, अच्छा इस cos को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है, सो cos इनवर्स और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब आपने कॉस इनवर्स 1/2 निकालना है, एक बात ध्यान में रखिएगा वो ये कि कॉस 60 डिग्रीज बराबर होता है 1/2 के, यानी कि जब 60 डिग्री का कॉस निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1/2, और जब इस वैल्यू का आपने इनवर्स निकाला ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 60 डिग्रीज। ये उल्टा होता है, कॉस इनवर्स मतलब उल्टा कर दें, यानी कि एंगल का कॉस निकालोगे तो वैल्यू आएगी और अगर उसी वैल्यू का इनवर्स निकालोगे तो एंगल मिल जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि -1/2 कॉस किस एंगल पर होता है, तो भाई आसान सी बात है कि कॉस की वैल्यू 120 डिग्रीज के ऊपर, 120 डिग्रीज पर होती है -1/2, यानी कि 1/2 पॉजिटिव तो कॉस 60 और अगर 1/2 नेगेटिव तो कॉस 120। तो भाई यहाँ पर आंसर बच रहा है कॉस इनवर्स -1/2, इसका मतलब एंगल कब, 120 डिग्रीज। तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, याद है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने कहा था 120 इसका आंसर है, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात गौर से और इस बात को अपने अपने जहनों में फिक्स कर लेना, वो ये कि तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर और उनका रिजल्टेंट। अगर पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और वो बराबर हो इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल एक ही एंगल पर होता है, एंड दैट एंगल इज 120 डिग्रीज। तो आज के बाद इस किस्म का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आपने सॉल्यूशन नहीं करना, मेरी ये वाली बात जहन में रख लेनी है और इस बात को जहन में रखते हुए आपने डायरेक्ट आंसर पर टिक करना है टाइम बचाते हुए, एंड दैट आंसर विल बी 120 डिग्रीज। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर पढ़ें गौर करें तो ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद इस किस्म का क्वेश्चन हमने अभी शायद सॉल्व किया है। हाँ बिल्कुल सॉल्व किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्सेज हैं
दोनों के मैग्नीट्यूड्स एफ एफ हैं यानी कि सेम हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, मतलब ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई, एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है और साथ साथ इनका रिजल्टेंट यानी कि एफ भी एफ है। रिकॉल द प्रीवियस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये सिर्फ एक ही एंगल पर मतलब पॉसिबल होता है, एंड दैट वन एंगल इज़ वॉट 120 डिग्रीज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 120 डिग्रीज। पता है क्यों, कि आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि एफ जो फोर्स है वो बराबर है फर्स्ट वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड के और ये बराबर है सेकंड वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड के, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 120 डिग्रीज। अगर सॉल्यूशन देखना हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, वहां पर मैंने आपको डिटेल में यही चीज बताई है, सिंपल सी बात है। तो आप इसको अगर प्रूव करना चाहें, प्रैक्टिस के तौर पे प्रूव करना चाहें, तो आप यूज़ कौन सा लॉ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन, और लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये फॉर्मूला पुट करना है, एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर एंड देन कॉस थीटा अंडर रेडिकल, यानी कि एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो मैंने सबकी जगह पे क्या पुट कर दिया, एफ पुट कर दिया, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में सबकी जगह पर ए पुट कर दिया था। तो ऐसे करेंगे तो आपका जब आंसर आएगा तो दैट विल बी 120 डिग्रीज। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, अगर ए का मैग्नीट्यूड रेडिकल 3 हो और बी का मैग्नीट्यूड भी रेडिकल 3 हो और सी अगर सिर्फ 3 के बराबर हो, तो बताएं इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, और यह ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, यानी कि आपको ए की बी की और सी की तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, ओके, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, और लॉ ऑफ कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट यहाँ पर पता है कौन है, सी, ए प्लस बी बराबर है सी के, इसका मतलब सी यहाँ पर रिजल्टेंट है, तो मैं आर नहीं लिख रहा बल्कि सी लिख देता हूँ, सी का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड देन कॉस थीटा, और ये सब के सब रेडिकल के अंदर, ये आ गया फॉर्मूला कौन सा, लॉ ऑफ कोसाइन को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, सी की वैल्यू सिर्फ 3, ए की वैल्यू रेडिकल 3, और रेडिकल 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है इस रेडिकल के अंदर, देन प्लस बी की वैल्यू भी कितनी, रेडिकल 3 लिखा हुआ है, और रेडिकल 3 के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, देन प्लस अगेन 2, ए की वैल्यू रेडिकल 3 और बी की वैल्यू भी रेडिकल 3 है ना, और इसके साथ कौन आ गया, कॉस थीटा, और ये सब के सब आ गए होल रेडिकल के अंदर। यहां तक बात क्लियर है, सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान वैल्यू है, ओके, 3 इज इक्वल टू स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, अगेन स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा, प्लस रेडिकल 3 कैंसिल, ये तो बन जाएगा सिर्फ 3, तो 2 ये बन जाएगा सिर्फ 3, और आगे कौन है, कॉस थीटा, यहां तक बात क्लियर है, और ये सब के सब किस में आ गए, रेडिकल के अंदर आ गए, देन 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 6, ओके, 6 प्लस 2 3 जा 6, और 6 के साथ कौन है, कॉस थीटा, यहाँ तक बात क्लियर है, और ये आ गया रेडिकल के अंदर। अक्सर स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद जो सबसे बड़ा जो ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि इन दोनों 6 को प्लस कर देते हैं, आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, वो इस सेंस में, क्योंकि इसके साथ बेसिकली कॉस थीटा है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इन दोनों 6 को आप प्लस नहीं कर सकते, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इसको रेडिकल से बाहर निकालना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 जा 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 एंड देन कॉस थीटा, यहाँ तक बात क्लियर है, वही वाला स्टेप, 6 प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, और ये वाला 6 कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पर आके डिवाइड करेगा, और यहाँ पर बच गया सिर्फ कॉस थीटा, 9 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय 6, और एक काम ही करते हैं, थीटा कैलकुलेट करना है ना, तो कॉस को शिफ्ट करके वहां ले जाते हैं, तो ये बचेगा कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, और यहां बच गया सिर्फ और सिर्फ थीटा, आगे करते हैं सॉल्यूशन, 1/2 बच जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो क्या बचा हुआ है, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में 1/2, याद कीजिए मेरी वो वाली बात जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में की है, कि हमारे पास कॉस की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 1 कॉस
की जो फंक्शन की वैल्यूज, एक होती है 1/2 और एक होती है -1/2। 1/2 आता है 60 डिग्रीज पर और -1/2 आता है 120 डिग्रीज पर। तो यहाँ पर क्योंकि 1/2 आ रहा है तो कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है? 60 डिग्रीज के बराबर होता है। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्रीज। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 210 डिग्रीज। कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू गिवन है 25 मीटर और ये जो है वो बन रहा है 210 डिग्रीज पर। बताएं इसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे। ये बना हुआ आपके सामने डायग्राम। हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज तक होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्रीज तक होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो 180 से लेकर 270 डिग्रीज तक होता है, और फाइनली जो फोर्थ होता है वो 270 से लेकर ये होता है 360 डिग्रीज तक, है ना। ये फोर क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर बन रहा है वो बना रहा है 210 डिग्रीज, यानी कि वो 180 से ज़्यादा और 270 से कम। इसका मतलब वो लाइ कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें इसके एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें फाइंड करना है डी एक्स यानी कि डी कॉस थीटा और डी वाई यानी कि डी साइन थीटा। टॉपिक याद आया आप लोगों को? हमारा टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें आप किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। बड़ा सॉल्यूशन है, मतलब कंडीशन ये आ रही है कि एमसीक्यूज़ में तो सेकंड्स में टाइम मिलता है हमें, और ये बेसिकली इतना बड़ा सॉल्यूशन हम करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉस 210 निकालेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बहुत आसान सा। कहते हैं ना एमसीक्यूज, मतलब वो बच्चा जो स्टूडेंट होते हैं वो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, जिनको ट्रिक्स आती हो, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और साफ साफ लिखा हुआ था पॉइंट्स टू रिमेंबर, साफ साफ लिखा हुआ था कि ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। तो ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हैं, एंड दैट ऑप्शन इज़ बी। दिख रहा है? तो क्यों मैं खामखा सॉल्व करूं, क्यों मैं अपना टाइम ज़ाया करूं? तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करी, एक हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें पता चला कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास इसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, एंड द ऑप्शन बी इज़ बेसिकली द आंसर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वेक्टर विच कैन बी एडेड टू द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स की वैल्यूज गिवन है आई प्लस टू जे माइनस के, आई माइनस टू जे प्लस टू के। ये दो वेक्टर्स आपके पास वैल्यू गिवन है और ये दोनों आपस में सम कर रही है, प्लस कर रही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? द वेक्टर विच कैन बी एडेड टू द सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, टू गेट अ रिजल्टेंट ऑफ अ यूनिट वैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है कि हम इन दो वैक्टर्स के सम के साथ वो तीसरा वैक्टर कौन सा ऐड करें। मैं तीसरे वैक्टर को कह देता हूँ लेट सपोज ए, गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि हम इन दोनों वैक्टर्स के सम के साथ वो कौन सा वैक्टर ऐड करें कि आपको इनका जो रिजल्टेंट मिले वो एक यूनिट वैक्टर मिले जो कि कौन सा एक्सिस पर हो? जेड एक्सिस पर। भाई एक्स पर होता है आई, वाई पर होता है जे, और Z पर कौन सा होता है? K। इसका मतलब इनका जो आंसर आएगा वो आएगा K। दिस इज़ योर इक्वेशन, दिस इज़ योर डिज़ायर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। विच वैक्टर कैन बी एडेड, बताएं उस वैक्टर की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हमें ये सॉल्व करना है कि A की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं? सबसे पहले एक काम ही करते हैं, इन दोनों वैक्टर्स को प्लस करते हैं। प्लस करते हैं का तरीका, ओके, A को A रहने देते हैं, प्लस। हाँ भाई, आई प्लस आई कितना बन जाएगा? 2i, तो ये आ जाएगा 2i। ओके, प्लस 2j माइनस 2j, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये प्लस 2j और माइनस 2j कैंसिल। k की बात करते हैं, माइनस k एंड प्लस 2k, मतलब प्लस 2 में से माइनस कर दो 1 को, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ k, क्योंकि k के साथ हम 1 लिखते नहीं है, इज इक्वल टू, और वहाँ पर कौन बचा हुआ है? वहाँ पर बचा हुआ है k। यहाँ तक बात क्लियर है? हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक काम ही करते हैं, इन दोनों को शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पर। सो a वैक्टर विल बी इक्वल टू, ओके, k
के को के रहने देते हैं, प्लस का टू आई है वहाँ जाके माइनस का टू आई हो जाएगा, देन प्लस का के है वहाँ जाके माइनस का के हो जाएगा। भाई माइनस के और प्लस के कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ माइनस का टू आई। दिस इज योर आंसर। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर चार फोर्सेस गिवन है, F1, F2, F3, F4, और कह रहा है कि ये एक्ट कर रही हैं साइमल्टेनियसली। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है एक्ट साइमल्टेनियसली, ये सारी फोर्सेस एक पार्टिकल पर एक साथ एक्ट कर रही हैं। बताएं वो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, सबसे एंड में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कहाँ मूव करेगा। और ऑप्शन लिखे हुए हैं एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन या फिर स्पेस। बताएं इन चार ऑप्शंस में से वो जो बॉडी है जिस पर ये चारों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं, बेसिकली वो बॉडी इन चार ऑप्शंस में से किस वाले प्लेन पर मूव करेगी। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो रहा हो कि किस वाले प्लेन पर मूव कैसे करेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या आंसर में लिखा हुआ आएगा कि एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सी कंडीशन है इसको सॉल्व करने की। चार फोर्सेस हैं तो आपने इन चारों फोर्सेस का सम निकालना होगा, आपने इन तमाम फोर्सेस का एडिशन करनी होगी। और एडिशन करते हैं, देखो ये लिखी हुई मैंने सारी फोर्सेस F1, F2, F3, F4, ये सारी वैल्यूज सेम वही हैं जो आपको गिवन है। मैंने क्या करना है, इन तमाम फोर्सेज का सम करना है। जब मैं तमाम फोर्सेज का सम करूँगा तो उस रिजल्टेंट फोर्स को हम शो करेंगे कैपिटल F से, ठीक है, सिर्फ F से। अच्छा, सम करने का तरीका वेक्टर्स का बहुत आसान होता है, आपने सेम यूनिट वेक्टर्स को प्लस करना होता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो मैं काम ही करता हूँ, सबसे पहले आई वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं। देखें 5 + 2 = 7, ठीक है, -4 - 3 - 7, तो +7 - 7 कैंसिल, इसका मतलब आपके पास आई की वैल्यू नहीं बच रही, तो हम यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे। जे वाले को सॉल्व करके देखते हैं, 8 में से 3 निकालेंगे आप, 8 - 3, तो ये बचेगा +5j। ओके, +5j - 5j कैंसिल, लेकिन अभी जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है, 4j। इसका मतलब आपका जो यहाँ पर आंसर बच रहा है दैट इज 4j। के वाले को सॉल्व करते हैं, ओके, 6 - 2, इसका मतलब प्लस का 4, यानी कि 6 में से 2 गए प्लस का 4। ओके, 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9k, +9k। ओके, 9 में से आप 7 निकाल दें तो क्या बचेगा, 2, और कौन सा 2, प्लस का 2k, सो +2k। यानी कि इन चारों फोर्सेस का जो सम आ रहा है, जो एडिशन आ रहा है, यानी कि उस पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी वो इस ये लग रही होगी, यानी कि 4j + 2k। जे जो होता है वो होता है वाई प्लेन पर, सॉरी प्लेन नहीं, एक्सिस पर, और ये जो k होता है ये होता है जेड एक्सिस पर, यानी कि इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है वाई जेड प्लेन पर। ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि वो जो बॉडी है, वो जो पार्टिकल है, वो कौन से प्लेन पर मूव करेगी, वाई जेड प्लेन पर मूव करेगी। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाए, सो देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो अब आप उनके जो डिफरेंस होगा उनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा बताएं वो कितना होगा। आसान करते हैं, जब आप मतलब सवाल को आसान करते हैं, कह रहा है सबसे पहली कंडीशन को चेक करते हैं। ये कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स को प्लस कर रहे हैं तो आंसर भी तीसरा यूनिट वेक्टर आ रहा है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। ये देखिए लिखा हुआ है, मैंने अगर लेट सपोज आई प्लस जे, अगर मैंने आई और जे को प्लस किया तो लेट सपोज बराबर आया के। दो यूनिट वेक्टर्स को प्लस कर रहे हैं तो आंसर भी यूनिट वेक्टर आ रहा है। आपको पता है आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड सब बराबर होते हैं। और हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने अभी एक बात पढ़ी थी कुछ क्वेश्चंस पहले, कि अगर ए बी और आर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाएं तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पर होता है, और वो एंगल कितना था याद रहेगा आप लोगों को ना, एंड दैट एंगल इज 120 डिग्रीज। इसका मतलब इन दोनों वैक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्रीज, तब जाकर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक यूनिट वैक्टर होगा। ये आपको एक बेसिकली एंगल गिवन था हिंट के तौर पर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। अब आपने देखो प्लस, आपको प्लस की वैल्यू गिवन थी, अब आपने इनकी माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और पता है फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कोसाइन। और लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर माइनस 2ij एंड कॉस थीटा। लॉ ऑफ कोसाइन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया, और लॉ ऑफ कोसाइन का जो एक्चुअल फॉर्म होती है बेसिकली वो क्या होती है, जनरल फॉर्म, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, प्लस नहीं आया क्योंकि आपसे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह आए और बी की जगह जे आ गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वैक्टर है। जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वैक्टर है। माइनस 2, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, सो 1 इंटू 1 एंड देन कॉस। एंगल की वैल्यू क्या पुट करें, पता है आपको एंगल की वैल्यू गिवन है 120 डिग्रीज, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 120 डिग्रीज, और ये सब के सब आ गए रेडिकल के अंदर। आगे सॉल्व करते हैं, ओके, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आगे बीच में आ जाएगा माइनस साइन, ओके, 2 वन ज़ा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। कॉस 120 की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो होती है 0.5, माइनस का 0.5, समझ आई बात। इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया, 2 वन ज़ा 2, ये माइनस का 2 एज इट इज मौजूद है, और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस का 0.5। आगे चलते हैं, ओके, 2 माइनस, ओके, सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। 0.5 एक ऐसा नंबर होता है जिससे भी मल्टीप्लाई करता है उसको हाफ कर देता है, हाँ भाई, 0.5 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, और 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है। अब देखें 2 प्लस 1 कितना हो गया, रेडिकल 3, आंसर मौजूद है, दिस इज़ योर आंसर। यानी कि जब आप I और J का डिफरेंस निकालेंगे तो इनका जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडिकल 3 के बराबर हो जाएगा। तो जब सम कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर आ रहा है, और जब डिफरेंस कर रहे हैं तो रेडिकल 3 आंसर आ रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ, और फिर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, ये लिखी हुई वेलोसिटी भी जैसे क्वेश्चन में गिवन है 2i माइनस j प्लस 3k मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हुई और उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, बताएं पावर कितनी होगी। ये बेसिकली जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है जिस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, दैट टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने पावर कैलकुलेट करना हो तो बेसिकली जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है पी इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब भी आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है पावर। चलें इसको सॉल्व करते हैं, सो पावर इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं, फोर्स की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4j एंड देन प्लस 5k, ये आ गई फोर्स की वैल्यू। देन डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू, एंड वेलोसिटी की वैल्यू 2i माइनस j एंड देन प्लस का 3k, सही है। सो द प्रोडक्ट ऑफ कौन सा वाला, डॉट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा एक बात कि हम हमेशा सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से करेंगे, और K को K से करेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें I की वैल्यू को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, ये बन जाएगा 6, और I इंटू I, और साथ में आ जाएगा I स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। एडिशन में कभी भी I के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, एडिशन में कभी भी स्क्वायर नहीं आता, मल्टीप्लाई में स्क्वायर आता है। जैसे आपको पता है a प्लस a बराबर होता है 2a के, जबकि a इंटू a बराबर होता है a स्क्वायर के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, ओके। अब जे जे को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात प्लस माइनस आप लगाएंगे माइनस साइन, मल्टीप्लाई में ऐसा होता है ना। देन 4 वन ज़ा 4 और जे इंटू जे जे स्क्वायर, आगे चलते हैं प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। देन 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ा 15 और k इंटू के के स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। हमें एक बात पता है कि i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर ये सब बराबर होते हैं 1 के, तो यहाँ से इन तमाम वैल्यूज को हटा देते हैं, सो पावर इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ 6, माइनस के बाद 4 एंड देन प्लस के बाद 15 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू 1, j स्क्वायर की वैल्यू 1 एंड k स्क्वायर की वैल्यू भी 1, इन तमाम को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने का तरीका क्या, भाई देखें सबसे पहले आप ये कर लें, 6 में से आप 4 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, ओके, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, और हमें पता है कि जो पावर होता है उसका जो एस आई यूनिट होता है दैट इज वॉट, तो इसका जो सिंबल होगा दैट इज वॉट, ये रहा ऑप्शन, सो पावर विल बी 17 वॉट्स। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया
कि हम सेम को ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, डिफरेंट को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते। मतलब मैंने क्यों आई वाली वैल्यू को जे से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों मैंने आई वाली वैल्यू को के से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखें, जब मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बनेगा आई डॉट जे का, ठीक है। और जब मैं आई को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉन्सेप्ट बनेगा आई डॉट के का, ठीक है। रिकॉल द कॉन्सेप्ट, जब हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहाँ पर डिटेल में एक एक बात पढ़ी थी, वो ये कि जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो हमेशा आंसर आता है 1। लेकिन जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट जे हो, आई डॉट के हो, जे डॉट के हो, जे डॉट आई हो, तो हम जब भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो हम क्यों खामखा मल्टीप्लाई करने के बाद अपने स्टेप्स को बढ़ाएं और उसके बाद फिर 0 लिखें, तो ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आपने शॉर्ट करना होता है अपने सॉल्यूशंस को। तो हमने सिर्फ डायरेक्टली आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया और के को के से मल्टीप्लाई किया। मैं आई को जे से नहीं करूंगा, मैं आई को के से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड कि हम क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को। ओके, स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है बड़ा डिटेल के अंदर ना, अब हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू गिवन है फोर्स की और एक वैल्यू गिवन है आपको पोजीशन वेक्टर की। जो पहले वैल्यू गिवन है वो फोर्स है, दूसरी वाली वैल्यू जो है वो पोजीशन वेक्टर की गिवन है। आपने इन दोनों वैल्यू से टॉर्क कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर का और एफ का। ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने, ये पोजिशन वैक्टर और ये फोर्स, यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म, इसको मूवमेंट आर्म भी कहते हैं या पोजिशन वैक्टर, एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। यानी कि अब आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। अगर आपने गलती से भी वही मल्टीप्लीकेशन यूज़ कर ली जो हमने डॉट प्रोडक्ट में यूज़ करी है, आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अब मुझे कैलकुलेट करना है आर क्रॉस एफ, यानी कि टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो हम पता है क्या करते हैं, देखें बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसका, हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट। ये आ गया डिटर्मिनेंट, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्राइसिस वगैरह का आपने नाम सुना होगा, मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं। सो ये बन गया डिटर्मिनेंट। इसकी तीन कॉलम्स होते हैं और तीन रोज होती हैं। ये आ गए 1 2 3 कॉलम्स बनाएंगे और 1 2 3 थ्री रोज बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले रो के अंदर हम लिखते हैं आई जे एंड के, सबसे पहले रो के अंदर। दूसरे वाले रो के अंदर हम पहले वाले वेक्टर की वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि पहला वेक्टर कौन है, आर। क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा, पहले एफ की वैल्यू गिवन है तो आपने एफ पुट कर दिया। अगर आपने एफ क्रॉस आर किया ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी उसी टॉपिक के अंदर कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने की वजह से आंसर पर फर्क पड़ता है। तो ये गलती आप वेक्टर प्रोडक्ट में कभी नहीं करिएगा। तो जो ऑर्डर हो उसी ऑर्डर से सॉल्व करिएगा। तो आर पहले आएगा और एफ बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। उस पर मत जाइएगा, क्वेश्चन में पहले एफ गिवन है तो आपने एफ की वैल्यू पुट कर दी, नहीं, गलती हो जाएगी। ओके, आर की वैल्यू इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपने आर के यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स पुट करना है। R की वैल्यू ये रही, हाँ भाई, I की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7। तो मैं यहाँ पर I के नीचे क्या लिखूंगा, 7। देन R की वैल्यू J के साथ कौन है, 3। तो J की वैल्यू क्या है, 3। देन K की वैल्यू आप चेक करें, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब आपने सेकंड रो के अंदर पहले वाले वैक्टर के कॉम्पोनेंट्स पुट कर दिए, ये आ गए कॉम्पोनेंट्स। अब मैं थर्ड रो के अंदर सेकेंड वाले वैक्टर के कॉम्पोनेंट्स पुट करूंगा। सबसे पहले कौन है, -3। उसके बाद कौन है, कुछ नहीं, तो +1। और उसके बाद कौन आ गया, ये आ गया 5। सबसे पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट बनाया, तीन रोज बनाई और तीन कॉलम्स बनाए। पहली रो के अंदर आई जे के, दूसरी रो के अंदर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी कि आर के कंपोनेंट्स, और सेकंड रो, थर्ड रो के अंदर सेकंड वेक्टर यानी कि फोर्स के कंपोनेंट्स आ गए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अब आपने क्या करना होता है, आपने एक फॉर्मूला पुट करना होता है। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हमारे पास होता है आई, आई के बाद अभी खामी करें, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दें, आई उसके बाद ब्रैकेट एम्प्टी, एम्प्टी ब्रैकेट, देन -j एंड देन उसके बाद एक ब्रैकेट एम्प्टी, देन +k और एक एम्प्टी ब्रैकेट आ गया। ये एक फार्मूला है, ठीक है। आई की वैल्यू पॉजिटिव,
जे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ये जहन में बिठा लीजिएगा, एंड देन के की वैल्यू पॉजिटिव, ये मैथमेटिकल हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। सबसे पहला ब्रैकेट जो आ रहा है वो आई वाला। जब हम आई को सॉल्व करेंगे तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपने आई वाले कॉलम को और आई वाले रो को छोड़ देना है, मतलब मैं इस वाले को और कर देता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर दें और इसको कैंसिल कर दें, क्या बच गया, ये स्क्वायर बन गया आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट बन गया ना। अब आपने इनमें क्या करना है, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। थ्री को मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, और बीच में हमेशा आएगा साइन माइनस का, और उसके बाद आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे करके, ठीक है। तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये मैंने किसको सॉल्व किया, आई वाले को। तो जब मैं आई वाले की बात करूंगा तो आई वाले कॉलम को आई वाले रो को छोड़ देना। अब जो आपके पास चार बच गए, इनको क्रॉस में ऐसे ऑर्डर में, पहले ऐसे और फिर ऐसे ऑर्डर में, तो फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा थ्री इंटू फाइव एंड वन इंटू वन, बीच में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बीच में माइनस साइन रहेगा। ओके, जैसे हमने आई वाले को सॉल्व किया ब्रैकेट को, अब हम जे वाले को सॉल्व करेंगे। जिस यूनिट वेक्टर की बात करेंगे हमेशा उस कॉलम को उस रो को छोड़ देंगे। अब मैं किसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जे को सॉल्व करते हैं। ओके, जे वाले को सॉल्व करते हैं तो ये देखें, हम जे वाले कॉलम को और जे वाले रो को छोड़ देंगे। ये देखें आपके पास दोबारा वही स्क्वायर बच गया, मतलब सेवन फाइव थ्री एंड वन, ठीक है। अगेन वही वाली बात कि आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले सेवन को फाइव से, तो सेवन इंटू फाइव, और बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा। जब एक क्रॉस कर लेंगे उसके बाद बीच में माइनस आएगा, उसके बाद सेकंड क्रॉस वन इंटू माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा वन इंटू माइनस थ्री, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे के वाले को, इसी तरीके से जब आप के वाले को सॉल्व करेंगे तो के वाले कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखें के वाले कॉलम को और के वाले रो को हमने हटा दिया, ये बच गया आपके पास फोर स्क्वायर की फॉर्म में। अगेन वैसे ही क्रॉस करते हैं, सबसे पहले सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, तो सेवन इंटू वन, ठीक है। बीच में साइन हमेशा माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस था यहाँ पर माइनस था, बीच में हमेशा माइनस रहेगा। उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को थ्री के साथ, सो थ्री इंटू माइनस थ्री। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आगे चलने के लिए। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, सो आई ये बच जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद वन इंटू वन, तो ये आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है। ये हो गया आई वाला ब्रैकेट। अब हम जाते हैं जे वाले ब्रैकेट की तरफ। ओके, जे को बात करते हैं, सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, ओके माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, थ्री वन ज़ा थ्री, आगे चलते हैं प्लस के, इसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेवन वन ज़ा सेवन, ओके माइनस माइनस, दो माइनस आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा बीच में प्लस, सो थ्री थ्री ज़ा नाइन, बहुत आसान हो गया। अब आगे चलते हैं, आप तकरीबन आपका आंसर आने वाला है, ओके फिफ्टीन में से वन जाएंगे तो फोर्टीन, और फोर्टीन के साथ कौन है आई, तो ये बचेगा फोर्टीन आई, आगे चलते हैं। ओके, 35 में प्लस कर देंगे 3, तो ये बन जाएगा 38, और 38 के साथ कौन है J, तो ये बनेगा माइनस का 38 J, के कुछ और देखते हैं। ओके, 7 में आप 9 प्लस करेंगे, और ये 7 प्लस 9 किसके साथ मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल K के साथ मौजूद है, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 16, और 16 के बाद यानी के मोमेंट आर्म और उस फोर्स का जो फाइनल टॉर्क आ रहा है बेसिकली वो इतना आ जाएगा, समझे तरीके को। आपका ऑप्शन मौजूद है, सो मैच कर लें, ये आपका आंसर हो गया। कितना बड़ा डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने में। जब आप स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब आप वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हम डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। और देखें बस ये एक दो तीन तीन स्टेप्स के बाद आपका आंसर आ गया, ये बहुत आसान है लेकिन उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ करने वाले स्टेप्स होते हैं ये। अगर इसमें आपने मामूली सी एक माइनस प्लस की भी मिस्टेक करी या ऑर्डर वगैरह की मिस्टेक करी, आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो ये बड़े ध्यान से करने वाला स्टेप होता है, बड़े ध्यान से करने वाला सॉल्यूशन होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करना हो तो वी विल यूज दिस सॉल्यूशन, वी विल यूज दिस प्रोसेस। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, हमें दो वैक्टर्स गिवन हैं। मैं एक काम ही करूंगा, पहले वाले वेक्टर को ए वेक्टर कह दूंगा और जो दूसरा वाला वेक्टर है उसको मैं बी कह दूंगा। आपने इन दोनों वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना, आपने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट,
उस टॉपिक में हम लोगों ने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वाला एक पोर्शन पढ़ा था, और हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर आपको किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, कॉस इनवर्स यानी कि थीटा एंगल अगर कैलकुलेट करना हो तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड इन टू बी मैग्नीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला था जो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट वाली वीडियो के अंदर डिराइव किया था। हाँ भाई, एक वेक्टर को मैंने ए कहा हुआ है और दूसरे वाले वेक्टर को हमने बी कहा हुआ है। तो ये देखें, ए वाले वेक्टर की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है रही माइनस थ्री आई प्लस सिक्स के, और जो बी वैल्यू वैक्टर है उसकी भी वैल्यू की मैंने ये लिखी हुई टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, और नीचे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इधर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और मैग्नीट्यूड को हमने आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले वाले शुरू वाले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर निकालना सीखा कि अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे और रेडिकल में रख देंगे। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, एक एक कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर हम करेंगे माइनस थ्री आई का स्क्वायर प्लस फिर करेंगे हम सिक्स के का स्क्वायर और इनको हम रख देंगे रेडिकल के अंदर, यानी कि ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला। फिर ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मतलब इन तमाम कंपोनेंट्स को भी ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्क्वायर किसका, टू आई और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद थ्री जे और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर प्लस के और उसके ऊपर स्क्वायर, और ये सब भी रेडिकल के अंदर। रेडिकल होता है फॉर्मूले का, रेडिकल को कभी मत हटाइएगा जब भी आपने मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना हो। चलें भाई सॉल्व करते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर सॉल्व करते हैं, पता है ऊपर आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना सीखा है, और वो तरीका क्या था, आई को आई से जे को जे से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखें, मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, सो सबसे पहले माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है ओके। थ्री टू जा सिक्स और आई इंटू आई आई स्क्वायर। अब करते हैं के वाली वैल्यू को के के साथ, जे को छोड़ दें, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सेम है तो मल्टीप्लाई करना, नहीं है तो सब कुछ छोड़ दो। देन वी हैव के के के, तो यहां पर देखें प्लस सिक्स वन जा सिक्स, तो सिक्स और साथ में के स्क्वायर, यहां तक बात क्लियर है। और नीचे डिवाइड के अंदर जो है वो आप साथ साथ मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये जाएगा नाइन आई स्क्वायर, है ना। आगे चलते हैं, प्लस सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और साथ में के स्क्वायर, और ये किसमें है, ये आ गया रेडिकल के अंदर। देन मल्टीप्लाई करने के बाद टू टू ज़ा फोर आई स्क्वायर प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यह आ गया रेडिकल के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है, ऊपर सॉल्व करते हैं। देखें भाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यह आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऊपर देखें, ये रहा आई स्क्वायर, ये रहा के स्क्वायर, जहाँ जहाँ आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर आ रहा हो वहाँ वहाँ उन सब की जगह हमने पुट करना होता है वन। तो ये देखें, माइनस का सिक्स आई स्क्वायर नहीं लिख रहे, फिर प्लस का सिक्स और के स्क्वायर नहीं लिख रहे। डिवाइड के अंदर अब मैं खामी करता हूँ, इस सॉल्यूशन को आसान कर देता हूँ, आसान के सेंस में करते हैं। आप नोट करें, डिवाइड में कुछ भी हो, आपने इसको प्लस करा इसका रेडिकल निकाला, इसका प्लस किया इसका रेडिकल निकाला, कुछ भी हो, माइनस सिक्स प्लस सिक्स ऊपर जीरो नहीं बच गया, और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग हमेशा आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब मुझे नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि ऊपर आंसर आ रहा है जीरो, तो मैं क्या करूंगा, नीचे स्टेप्स को ऐसे छोड़ दें, आप डायरेक्टली यू करके लिखें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर आ रहा है जीरो और नीचे कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो नीचे, इवन मतलब आपके पास बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। तो याद रखिएगा, जब आप जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी फैक्टर के साथ तो आपका जो फाइनल आंसर होता है वो भी जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में बच गया सिर्फ और सिर्फ जीरो। भाई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तभी हमने ये स्टेप्स मिस कर दिए, मतलब मैंने यहाँ पर ये स्टेप्स नहीं लिखे। अगर मैं न्यूमेरिकल किसी बोर्ड की जो पेपर्स आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं वो सॉल्व कर रहा होता तो मुझे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता, बकायदा दिखाना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में तो मैंने अपने स्टेप्स को बचाया, टाइम ज़ाया हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलना होता है। ओके, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग ये आ गया जीरो। और अब वही वाली बात कि अब आपने चेक करना है कि किस एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू जीरो होती है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री के ऊपर कॉस की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस इनवर्स जीरो ये बराबर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज,
यानी कि 90 डिग्री के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच में, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, जो आपको इनके सॉल्यूशंस बताए जो अक्सर एमसीक्यूज में आते भी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जब आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के इन क्वेश्चंस को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे क्वेश्चंस तो बेहिसाब हैं, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में क्वेश्चंस होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, हम सारे क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते, है ना। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो कमेंट का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको अपना जो फेसबुक अकाउंट होता है वो भी शेयर करता हूँ वीडियो के उसमें स्टार्टिंग में, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अगर आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम उसमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही हो वेक्टर्स के हवाले से, तो ऑलवेज़ वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। सो वही वाली बात कि वीडियो को अपना जो है लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो पर कमेंट अपने मतलब जो है शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और इन द एंड वही वाली बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो किस बात का इंतज़ार है, सब्सक्राइब कर दें। और तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने तक आप लोगों से उस टाइम पे हम मिलते हैं फिर।